Okay, so we have various types of operators used in Python. जैसा कि हमारा बाकी languages में होता है C, C++ में, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी we have got multiple categories or multiple types of data types. These are arithmetic operators, comparison operators, या जिनको हम relational operators भी बोलते हैं, जिसमें इसके बाद assignment operator, उसमें सिर्फ एक ही operator आता है, equal to operator, which assigns the constant value into another variable. उसके कुछ वेरिएशंस भी होते हैं, शॉर्टकट ऑपरेटर्स भी होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे. देन वी हैव द लॉजिकल ऑपरेटर्स व्हिच इज यूज्ड इन बिटवीन द कंडीशंस. इफ वी हैव टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस टुगेदर, वी विल यूज लॉजिकल ऑपरेटर. देन वी हैव बिटवाइज ऑपरेटर, जिसकी वजह से नंबर्स के बीच में, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी नंबर, एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन, या जिसको हम बोलते हैं बिट वाइज ऑपरेट करना है, तो बिट वी विल यूज बिट वाइज ऑपरेटर्स. अनदर इज मेंबरशिप ऑपरेटर, ये पाइथन में नया है. इसी तरह आइडेंटिटी ऑपरेटर, दीज टू आर द न्यू. इनको हम एक एक करके आगे देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द बाइनरी, सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर. इसमें सबसे पहले आ जाता है एडिशन. अब ये समझाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे एग्जाम्पल है, यू हैव टू वेरिएबल्स, ए कंटेन्स 10 एंड बी कंटेन्स 21. ए प्लस b will be equal to 31. Similarly, we have subtraction, multiplication, and we have division. Clear? इसके अलावा ये हमारे पास होता है modulus operator, जिसकी वजह से if you will do b mod a, तो b that is 21, 21 will be divided by 10, और वहां से जो remainder आएगा उसको यहाँ पे लिखा जाएगा. Is it clear? So, जब हम 21 को divide 10 से करेंगे, remainder is 1, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा using this operator. Similarly, we have another operator, that is star star. Star star represents power of. If I have to perform A raised power B, that is 10 raised power 21. अब वो बहुत बड़ा सा एक नंबर आ जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है. मैंने इसलिए यहाँ पे एक इसका मीनिंग ही लिखा है, 10 टू द पावर 21. तो इसको ऐसे लिखेंगे हम. जो दूसरा टर्म होगा वो पावर में आ जाएगा और ये इसका बेस आ जाएगा. Is it clear? तो यहाँ पे वो जो पावर वाली सिंबल होती है सी सी प्लस प्लस में, वो वाली यूज नहीं की जाती. इसके लिए वो यूज एस्ट्रिक, ट्वाइस एस्ट्रिक, दो बार एस्ट्रिक इकट्ठे लिखना पड़ेगा. तो ये देखिए, अब यहाँ पे एक ऑपरेटर है डिविजन ऑपरेटर. ये क्या करता है, व्हेन 21 इज डिवाइडेड बाई 10, तो वहां से जो कंप्लीट आंसर होगा दैट इज 2.1, वो दे देगा. लेकिन अगर मुझे सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए, यानी कि सिर्फ 2 चाहिए, तो उस केस में क्या करूंगा, उस केस में मेरे पास एक और ऑपरेटर होता है, दैट इज डबल डिवाइड. इट गिव्स द कोशेंट ओनली बाय आल्सो प्रोड्यूसिंग द रिमाइंडर. तो ये क्या करेगा, अगर मैंने बी डबल डिवाइड ए कर दिया इस केस में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 21 डबल डिवाइड 10, तो वहां से आंसर विल बी 2, जबकि 21 डिवाइड 10 जो होगा वो 2.1 होगा. जैसे कि यहाँ पे हमने इस एग्जाम्पल में दिखाया है, अगर आप 29 डबल डिवाइड 2 करोगे तो वो क्या आंसर आ जाएगा, 4. एक्चुअली आंसर आना चाहिए 4.5, लेकिन वो 4.5 ऐसे आ जाएगा व्हेन वी विल बी यूजिंग डिवाइड ऑपरेटर. बट व्हेन यू विल बी यूजिंग डबल डिवाइड ऑपरेटर, तब ये सिर्फ इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब रिजल्ट दे देगा. अगर आप नंबर इंटीजर के बदले फ्लोट भी करोगे, तब भी ये सिर्फ इंटीजर ही देगा, तब ये फ्लोट नहीं देगा. तो ये जैसा हम सी सी प्लस प्लस में देखते हैं, इफ वी हैव इंटीजर नंबर्स एंड वी आर डिवाइडिंग इट, तो आंसर जो होगा उसमें सिर्फ इंटीजर कंसिडर किया जाएगा. यहाँ पे वैसा नहीं है. यहाँ पे अगर आपको कंप्लीट डिवीजन चाहिए तो उसके लिए डिवाइड ऑपरेटर है, लेकिन अगर आपको सिर्फ इंटीजर चाहिए तो उसके लिए डबल डिवाइड है. उसके लिए ये जरूरत नहीं है कि आपके नंबर इंटीजर होने चाहिए या फ्लोट होने चाहिए. इज इट क्लियर, एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? सो दीज वेयर सम ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. सिमिलरली अनदर कैटेगरी वॉज कंपेरिजन ऑपरेटर, तो या जिसको आप रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हो. सबसे पहला है हमारे पास डबल इक्वल्स टू, जिस तरह सी सी प्लस प्लस में होता है. इफ वी हैव टू कंपेयर टू वैल्यूज और दोनों वैल्यूज सेम होने चाहिए, तो वी विल यूज डबल इक्वल टू. नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल्स टू. उसके बाद ग्रेटर देन के लिए ये, लेस देन के लिए ये, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू. आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर. लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज है, ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इफ वी आर एडिंग टू इंटीजर नंबर्स, द रिजल्टेंट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर विल अगेन बी इंटीजर.
अगर दो फ्लोटिंग पॉइंट को हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कर अप्लाई कर रहे हैं तो वहां से जो आंसर होगा वो फ्लोटिंग ही होगा। लेकिन ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, जब हम दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन ऑपरेटर या जिसको रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है, तो उसका आउटकम हमेशा सिर्फ ट्रू या फॉल्स हो सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है या रिलेशनल ऑपरेटर जिसको कहा जाता है, इट ऑलवेज रिजल्ट्स इनटू ट्रू और फॉल्स। सिमिलरली वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर सिर्फ पाइथन में इक्वल्स टू है, लेकिन इसका शॉर्टकट भी है, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मतलब जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है उनके साथ इसको हम शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा ए प्लस इक्वल्स टू बी, उसका मतलब है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर से रिपीट कर रहता हूं मैं, इफ यू आर राइटिंग ए प्लस इक्वल्स टू बी, उसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए और बी का कंटेंट ऐड किया जाएगा, उसको वापस ए में डाल दिया जाएगा। इसी तरह अगर मैंने यहां लिख दिया ए माइनस इक्वल्स टू बी, उसका मतलब है ए के कंटेंट में से बी का कंटेंट डिलीट किया जाएगा, उसके बाद जो आंसर होगा वो वापस ए में डाल दिया जाएगा। सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ, बाकी सब के लिए भी सिमिलरली एग्जीक्यूट किया जाएगा या सेम मीनिंग है। अनदर इज बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर के लिए हमारे पास दिस वी हैव एंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ए और बी को एंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए का कंटेंट, यहाँ ए का और बी का कंटेंट मैंने नहीं डाला है, सॉरी। मान लीजिए आपका ए का कंटेंट जो है वो एक बाइनरी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 1101। सिमिलरली बी का कंटेंट जो है वो मेरे पास इसी तरह एक बाइनरी नंबर है। तो उन बाइनरी नंबर्स बिट्स के बीच में अगर आपको एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर या ऐसे ऑपरेटर्स करने हैं, तो उसके लिए आप बिटवाइज ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। एंड के लिए वी यूज दिस एम्परसेंट साइन, और के लिए वी यूज दिस साइन और साइन, एक्सक्लूसिव और के लिए हम ये वाली साइन यूज करते हैं, और वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए ये, लेफ्ट शिफ्ट के लिए ये, और राइट शिफ्ट के लिए ये। तो लेफ्ट शिफ्ट, असल में इसको ऐसे लिखा जाता है, ए लेफ्ट शिफ्ट वन, यहाँ ये मिसप्रिंट हो गया है। तो वन का मतलब हो गया एक बिट से इसको शिफ्ट करना है लेफ्ट, तो एक एक बिट लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगी, और जो लास्ट वाली बिट होगी वो खत्म हो जाएगी, और जो पहली वाली बिट होगी वो जीरो बन जाएगी। इसी तरह ए राइट शिफ्ट, यहाँ फिर से वन अगर फॉर एग्जाम्पल लिखा, तो एक एक बिट राइट को चला जाएगा। अब जो पहली वाली बिट जो खाली रह गई वहां पे जीरो इंसर्ट किया जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द बिट वाइज ऑपरेटर्स। आपको यहाँ पे साइन यूज करना है, मतलब साइन याद रखना है कि बिट वाइज एंड के लिए क्या होगा, और के लिए, और इन सब के लिए क्या होगा। अगर किसी को इनमें इसमें कंफ्यूजन है, आप कोई सिंपल से दो नंबर्स ले लो, ए इक्वल्स टू टू और बी इक्वल्स टू थ्री, उसके बाद प्रिंट कर दो ए एंड बी, देखो आंसर क्या आ जाएगा। और यहाँ रफ पे आप कर सकते हो ए का बाइनरी इक्विवेलेंट, बी का बाइनरी इक्विवेलेंट, उनके बीच में एंड करो, वहां से जो आंसर आएगा उसको डेसिमल में फिर से कन्वर्ट करो, आप देखो सेम आंसर आएगा कि नहीं। क्लियर? कंप्यूटर में जब आप इसको करोगे या पाइथन में जब आप इसको करोगे, ए और बी को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको ए और बी में सिंपल डेसिमल नंबर ही देना पड़ेगा, दे सकते हैं, ये उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा बाइनरी नंबर्स में, और जो आंसर होगा वो भी डेसिमल में ही मिलेगा आपको, बाइनरी में नहीं मिलेगा। क्लियर? सो दीज वी आर द बिट वाइज ऑपरेटर्स। सिमिलरली वी हैव अनदर कैटेगरी, दैट इज द लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर तब यूज किया जाता है व्हेन यू हैव टू कंबाइन टू कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कंडीशन है और ये दूसरा कंडीशन है, तो उसके लिए वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास है एंड, और नॉट। एंड यूज करने के लिए वी यूज ए एंड डी, एंड स्मॉल में, और के लिए ओ आर, और नॉट के लिए एन ओ टी, स्मॉल स्मॉल केस में सब लिखना है। क्लियर? तो ये क्या करेगा, अगर दो कंडीशंस के बीच में एंड होगा तो इसका मतलब दोनों कंडीशंस सही होनी चाहिए, तब वो कंप्लीट कंडीशन सही होगी। लेकिन और अगर दो कंडीशंस के बीच में होगा, उसका मतलब दोनों में से अगर एक कंडीशन भी सही होगी तब भी ये पूरी की पूरी कंडीशन सही है। जबकि नॉट जो होता है वो एक कंडीशन के ऊपर लगाया जा सकता है, जहां पे एक कंडीशन जो है अगर वो सही है तो ये नॉट उसको कन्वर्ट करता है उसके फॉल्स में। इफ द कंडीशन इज ट्रू इट विल
कन्वर्ट इनटू फॉल्स। लेकिन यहां याद रखने की जरूरत है, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है इट विल ऑल्सो रिजल्ट इनटू ट्रू और फॉल्स, इसका रिजल्ट भी ट्रू या फॉल्स ही होगा। लेकिन ये याद रखने की जरूरत है, इसको यूजुअली हम कंडीशंस को मिलाने में ही यूज करते हैं। जहां पे भी हमें ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन लिखनी होगी जो कंडीशन होगा और उसमें एक से ज्यादा कंडीशंस होंगी, वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली वी हैव, यहाँ तक जितने ऑपरेटर हमने पढ़े ये सी सी प्लस प्लस में भी अवेलेबल है, लेकिन ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर है ये सी सी प्लस प्लस में अवेलेबल नहीं है। इसमें दो ऑपरेटर आते हैं, वन इज इन एंड अनदर इज नॉट इन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लिस्ट है, आप उस लिस्ट में देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल उस लिस्ट में आइटम्स है 1, 2, 3, 4 एंड 5, आप देखना चाहते हैं इस लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, कोड बताता ये है कि आप उसमें एक एक एलिमेंट को उठाएंगे, उसको कंपेयर करेंगे, फिर वहां से बताएंगे क्या ये है कि नहीं। लेकिन इन ऑपरेटर क्या करता है, एक ही लाइन में आपका काम कर लेता है। हम सीधे लिख देंगे भाई अगर 5 इन और उसके बाद लिस्ट का नाम, तो ये ऑटोमेटिकली उस लिस्ट के अंदर उस आइटम को ढूंढेगा, अगर वो होगा तो रिटर्न ट्रू करेगा, अगर नहीं होगा तो रिटर्न फॉल्स करेगा। इसी तरह अब अगर आप चाहते हो कि ये आइटम इसके अंदर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए वी विल यूज नॉट इन। तो अगर मैंने लिखा 5 नॉट इन एल, वेयर एल इज द लिस्ट, तो ये रिटर्न तब ट्रू करेगा जब वो 5 जो होगा उस लिस्ट के अंदर नहीं होगा, और रिटर्न फॉल्स तब करेगा जब ये उसके अंदर होगा। This is the only difference. So this is the membership operator. Membership operator इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बताता है कि क्या ये particular element या particular collect particular चीज जो है ये एक collection में available है कि नहीं, whether it contains inside a collection or not.